वेलकम टू लाइनास टू व्हीलर बाइक सर्विस। जिस बाइक में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम था तो वो रिसॉल्व कर दिया, और एक काम बाकी रहेगा, सस्पेंशन से ऑयल लीकेज कर रहा है। कस्टमर से बात कर लिया हमने, उसके बाद हम इसको रिबिल करने लग गए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, हमें तो इसमें काम करना है OEM की तरह, दिक्कत ना आए वो इसलिए हमने इसको पूरा अच्छी तरह से वॉश करके। वैसे भी यामा का जो MT-15 बाइक है और सभी बाइकों में पार्ट्स की लॉन्गजिविटी बहुत ही ज़्यादा है, इसमें पार्ट ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है, फिर भी इसमें लीकेज का बहुत सारी कारण होता है, हम भी उसमें डिस्कस करेंगे। ये बाइक ज़्यादा दिन पड़े रहे इसलिए सील इसका डैमेज हो गया, और रोड का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने से भी ये डैमेज होता है। हम इसको ऐसे फिक्स करेंगे कि कंपनी के पहले जैसे था वैसे ही लॉन्गजीविटी देगा, इसलिए बोलते हैं कि सस्ता के पीछे मत भागो, सस्ता ही महंगा पड़ेगा लास्ट में। पहले किसी मैकेनिक के पास से एक फोर्क का ऑयल सील चेंज किया था, तो वो डुप्लीकेट था, इसका एक ऑयल सील डैमेज हुआ था। दोनों सस्पेंशन के काम करेंगे। इस केस में होता क्या है कि एक सस्पेंशन के काम आप कीजिएगा, लेकिन इसको जब फिक्स करेंगे फिर से देखिएगा दूसरा लीकेज हो जाएगा, इसलिए जब सस्पेंशन के काम होता है तो दोनों में ज़्यादा फायदा देता है, इसलिए हम दोनों को ही कर रहे हैं। और सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका ठीक ट्यूनिंग ना होगा तो ये बाइक ज़्यादा चार्ज करेगा, इसमें चलाने में मज़ा नहीं आएगा। में ऑल द टाइम सही टूल्स का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यामा का जेनुइन ऑयल सील, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये ऑयल सील आप देखिए ये कितना डैमेज हो गया है, ये बाइक इतने दिन पड़े रहने के लिए ये रबर आइटम डैमेज हो गया है। हमें इसे ऑयल का लेवल ठीक रखना होगा, नहीं तो ज़्यादा कम देने से बहुत दिक्कत आता है। ऑयल सील को पहले स्प्री ल्यूब करना पड़ेगा। ऑयल सील को फिट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ते हैं, तो एक एक करके फॉलो करके हम इसको काम कर रहे हैं। इसमें सस्पेंशन रिबिल्ड ठीक तरह से हुआ, फिर भी और एक रोल प्ले करता है सस्पेंशन ऑयल, ऑयल यूज़ करें उसमें सही नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यूज़ किया है बेस्ट क्वालिटी का ऑयल, OEM का रिकमेंडेशन के अनुसार ऑयल डालना चाहिए, नहीं तो ऑयल सील भी डैमेज हो सकता है ऑयल की कारण, फिर से लीकेज हो सकती है अगर ज़्यादा ऑयल दे दिए जाए तो। ऑल द टाइम हमने ट्राई किया है कि बेस्ट तरीके से इसको रिपील किया जाए, हमने ट्राई किया है छोटा सा नॉलेज शेयर करने का आपके सस्पेंशन के रिगार्डिंग। हम इसमें स्टेप वाइज काम कर रहे हैं, अब बने रहिए वीडियो पे। हम कस्टमर को इसलिए बोलते हैं कि सस्ता काम मत करवाएं, कहता हूँ इसलिए बाइक रिलेटेड नॉलेज हर किसी को रखना चाहिए, अगर कुछ कारण प्रॉब्लम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।